नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। भगवान कौन है, भगवान क्या है, ये हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि भगवान इस दुनिया को बनाने वाला है, भगवान इस दुनिया को चलाने वाला है, भगवान हमें मुसीबतों से बचाने वाला है। भगवान के अलग अलग नाम हैं, ये श्री राम हैं, ये शंकर हैं, ये विष्णु हैं, ये कृष्ण हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो हम भगवान को इस तरीके से जानते हैं। अब भगवान ने इस दुनिया को बनाया, दुनिया में इंसान को बनाया, जानवरों को बनाया, प्रकृति को बनाया, सबको बनाया, ग्रहों को बनाया, अच्छे और बुरे लोगों को बनाया, अच्छे और बुरे विचार बनाए, सब कुछ भगवान का ही किया हुआ है। इंसान ने कुछ नहीं बनाया, इंसान बस बदल गया, इंसान मौका देखते ही बदल गया। भगवान ने अच्छा बनाया और वो इधर उधर को देखा, उसने नकल करी और नकल के साथ में अपनी अकल नहीं लगाई और बदल गया। और सबसे पहला काम क्या किया भगवान के बनाए हुए इंसानों ने, कि जैसे ही उन्हें बुद्धि आई, जैसे ही समझ आई, उन्होंने भगवान का साथ छोड़ दिया और खुद को या तो भगवान समझ बैठे या खुद को सबसे बड़ा विद्वान समझ बैठे कि हम सब कुछ कर लेंगे, हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। तो ये गलती भी इंसान नहीं करी। आप लाख गलतियां करिए, आप लाख भगवान को अच्छा और बुरा कहिए, लेकिन भगवान दयालु है, भगवान कृपालु है। भगवान कहता है तुम मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन जब भी मुसीबत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊँगा, बस तुम पुकारो। अब आप बुलाएंगे ही नहीं तो फिर कोई कैसे आएगा? तो अगर आपको लगता है कि आप तकलीफ में हैं, किसी भी तरीके की तकलीफ हो सकती है, तो भगवान को पुकारिए, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान से आग बंद करके प्रार्थना करिए, भगवान आपकी सहायता के लिए आए। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 संकेत दे रहा हूँ जो ईश्वर ने ग्रहों के माध्यम से बनाए हैं, और निश्चित तौर पर आपको इन संकेतों का लाभ होगा, क्योंकि इन संकेतों में भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, भगवान का सबसे बड़ा सहयोग है। तो अगर आप भगवान को बुलाते हैं और इन संकेतों को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अच्छा और सुखद समय रहेगा, नहीं है तो हो जाएगा, और आगे आने वाला वक्त भी शानदार हो जाएगा। तो सफलता के आगे बढ़ने के वो 5 संकेत मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो पे। निश्चित तौर पे ये काम करेंगे, निश्चित तौर पे आपके जीवन में ये संकेत खुशियां और प्रसन्नता लेकर आएंगे, क्योंकि जैसे ईश्वर का प्रसाद हमारे लिए पूजनीय होता है, उसको हम बड़ी श्रद्धा और विश्वास से उसको खाते हैं और अपने अनेक कष्टों को दूर करते हैं, उसी प्रकार से ये संकेत हैं जो ईश्वर का प्रसाद है और आपके शरीर के अंदर जाते ही एक बदलाव लेकर आएंगे, एक नए चेंज की तरफ आप जाएंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। बस श्रद्धा विश्वास होना चाहिए और यकीन रखिए, आपका यकीन भगवान कभी नहीं तोड़ेंगे। आइए जानते हैं कौन से हैं वह 5 महाशुभ संकेत जो ग्रहों के माध्यम से ईश्वर के द्वारा आपको मिल रहे हैं अप्रैल 2020 में। यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। अगर आपकी चंद्र या लग्न राशि तुला है तो यह वीडियो आपके लिए है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह सफलता के 5 महाशुभ संकेत। इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले निशान के बटन को दबाइए। कोई समस्या, आप में परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कराइए और अपनी समस्या का समाधान जानिए। बढ़ते हैं पहले महाशुभ संकेत की तरफ। पहला महाशुभ संकेत प्राप्त होगा बुध ग्रह की कृपा के द्वारा। बुध पंचम भाव में होंगे 1 से 8 अप्रैल के मध्य, और आपका विवाह हो गया है तो जीवन साथी के साथ रोमांटिक और अच्छे मधुर पलों को बिताएंगे, आप दोनों के बीच का तनाव दूर होगा। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो प्रेमी या प्रेमिका के साथ मधुर और रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी दोस्ती हो सकती है, कहीं पे किसी से दोस्ती के लिए आपने पहले ही तैयारी कर रखी थी, किसी को ऑफर दिया था तो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है।
आप तेज बुद्धि के होंगे, तेज बुद्धि होने के कारण सभी समस्याओं का समाधान जल्दी जल्दी कर लेंगे। आपकी संतान की तरफ से आपको सुख मिलने वाला है और आपकी संतान आज्ञाकारी होगी। आप लेखन, नाटक, साहित्य, इन सब चीज़ों में रुचि रख सकते हैं। बुध आपको ऊर्जावान बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे। नौकरी हो या व्यापार हो, कोई भी समस्या आपको आने नहीं देंगे। बुध का यह संकेत आपको हर समस्याओं से मुक्ति दिलाते हुए आगे बढ़ाता ले जाएगा और आपका स्वभाव हसमुख रहेगा और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। बात करते हैं दूसरे महाशुभ संकेत की। आपको दूसरा महाशुभ संकेत प्राप्त होगा शुक्र की कृपा के द्वारा। शुक्र देवस्व राशि के होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र आपको अचानक से लाभ देंगे। जो सोचा ना हो वो हो जाए, जो असंभव दिखता हो वो अचानक से पूरा हो जाए, ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। भोजन थोड़ा सोच समझ के करिएगा ताकि कोई तकलीफ ना हो, पेट की गड़बड़ हो सकती है। सेहत का ध्यान दीजिएगा। जीवन में छोटे बड़े सुख आपको प्राप्त होंगे। आपकी अचानक से होने वाली जो यात्राएं हैं वो बड़ी मजबूरी में होंगी लेकिन लाभदायक होंगी, और बड़ा सुरक्षित तरीके से यात्रा करिएगा अगर बहुत आवश्यकता पड़ती है तो। सावधानी जरूरी है। आप घर पर हों या आपको नौकरी करने की इजाज़त मिली हो अपने ऑफिस जाकर, तो आपको सभी प्रकार के सहयोग मिलेंगे और आपकी पदोन्नति होगी और आपको कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शुक्र आपकी हिम्मत को बढ़ा कर रखेंगे और हर प्रकार की बीमारियों से, कष्टों से आपको दूर रखेंगे, और आप इस समय में समाज में, परिवार में खुद को सिद्ध कर देंगे कि आप योग्य हैं, काबिल हैं, आप वो इंसान हैं जो कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकती हैं, और एक काबिल इंसान की तरीके से आपकी गिनती होगी और लोग आपको सैल्यूट करेंगे। तो अप्रैल 2020 बहुत सारे आपके जो गुण हैं उसको बाहर निकाल कर लेकर आएगा, आपकी प्रतिभा को सामने रखेगा। शानदार वक्त रहेगा शुक्र की कृपा के द्वारा। बात करते हैं तीसरे महाशुभ संकेत की। तो तीसरा महाशुभ संकेत प्राप्त होगा देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। नौकरी व्यापार के लिए गुरुदेव आपकी तरक्की लेकर आए हैं, आपको तरक्की का आशीर्वाद मिल रहा है। नौकरी व्यापार के नतीजे आपके पक्ष में रहेंगे। आपको कोई प्रॉपर्टी आसानी से बहुत सस्ते दामों में मिल सकती है या उसकी बातचीत हो सकती है। आप जो भी काम करते हैं उस काम की तारीफ होगी। सेहत थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। रिश्तों में कोई ऐसी बात ना करें जिससे सामने वाले को बुरा लगे, और खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। तो ये गुरु का जो आशीर्वाद है, गुरु का जो संकेत है, आपको माला माल कर देगा और आपकी नाम, इज्जत, शोहरत को और ऊपर लेके जाएगा और आपको एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणी में खड़ा करेगा, और बड़े बड़े उच्च अधिकारियों से, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों से आपका जो है मिलना जुलना तो नहीं कहूँगा लेकिन उनका आशीर्वाद या उनका साथ आपको प्राप्त होगा। तो ये बढ़िया और शानदार समय रहेगा गुरु की कृपा से। सबसे पहले बुध ने कृपा दिखाई, फिर शुक्र ने कृपा दिखाई, फिर देव गुरु बृहस्पति ने कृपा दिखाई। जानते हैं अगले संकेत में कौन से ग्रह हैं जो चार चांद लगाने आ रहे हैं। आपको चौथा संकेत प्राप्त होगा देव गुरु बृहस्पति और चंद्रमा की कृपा से। गज कृषियों का निर्माण होगा। आपके परिवार में खुशहाली होगी, प्रसन्नता होगी। आप 16 और 17 तारीख को विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन की इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप मेहनत से मिलने वाले फलों को निश्चित तौर पर पाएंगे। हर मुसीबत से लड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। 16 और 17 अप्रैल दो दिनों में बड़े बड़े काम हो जाएंगे। बड़े बड़े मुसीबतों से मुक्ति पालेंगे। जो काम फंसे हुए थे वो काम पूरे हो जाएंगे। घर के लोगों का साथ होगा। विरोधियों को पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपकी जीत के दिन है, आपकी सफलता के दिन है। और शास्त्र कहता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है और आप मेहनत बढ़िया तरीके से करते हैं तो हाथी के वजन के बराबर सफलता मिलेगी और शेर की तरीके से आप राज करेंगे। तो देव गुरु बृहस्पति और चंद्रमा की कृपा से आपको एक सुंदर अवसर देखने को मिल सकता है। भले ही ये दो दिन है लेकिन इन दो दिनों में सोने पर सुहागा होगा, चमत्कार हो सकता है। तो बहुत शानदार संकेत है संकेत नंबर 4, जब देव गुरु बृहस्पति और चंद्रमा आपको सुखों का अनुभव कराएंगे। बात करते हैं पांचवें और अंतिम संकेत की। पांचवा संकेत आपको प्राप्त होगा राहु के द्वारा। राहु भाग्य भाव में गोचर करेंगे। आपके आलस को राहु दूर करेंगे। चुस्ती फुर्ती होगी आपके अंदर और आपके परिवार के लोग आपकी
इज्जत और सम्मान करेंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे, आपके साथ मिलजुल कर काम करेंगे, ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति होगी, आपका दिमाग बहुत तेज होगा, ऐसा तेज दिमाग जो लोगों को हैरान और परेशान कर दे, आपके हाथों से कुछ ऐसी खोज हो सकती है, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें दुनिया आपको सलाम करे। अगर आपके घर में जो बड़े हैं आप उनका कहना मानते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, ईश्वर की भक्ति को बनाए रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके हाथों वो काम होगा जो काम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकता है। तो आप सभी के साथ मिलजुल कर रहेंगे, सभी की सेवा करेंगे, सभी के साथ मिलकर काम करेंगे, किसी के साथ नाराजगी नहीं दिखाएंगे, आप इतना कुछ करेंगे कि लोगों के ऊपर एहसान चढ़ा देंगे, यानी आपके हाथों ऐसे ऐसे काम होंगे जिसकी वजह से लोग आपके एहसानों में दब सकते हैं। तो कुछ ऐसा शानदार राहु आपके हाथों से करवाने वाले हैं। आप एक बात नोट कर लें, वक्त कैसा भी हो, वक्त कैसा भी चल रहा हो, आपको 100% सफलता राहु देंगे, पक्की है आपकी सफलता। शानदार तरीके से राहु आपको चमत्कार दिखाते हुए आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे। बस अहंकार और क्रोध और घमंड मत करिएगा, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। निश्चित ही ये 5 संकेत आपके जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलेंगे, ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से। तो आगे बढ़ते जाइए, इन 5 संकेतों का लाभ उठाते जाइए, ग्रहों का लाभ उठाते जाइए, और ईश्वर ने जो आपको ये ग्रहों के द्वारा अनुकंपा बरसी है, उसका जो आशीर्वाद बरसा है, उसको प्रसाद समझकर स्वीकारिए, और इसमें शक मत करिए कि ये सब जो चीज़ें हैं वो ईश्वर नहीं करेगा, ईश्वर जरूर करेगा। अगर आपका विश्वास पक्का है तो यकीन मानिए ईश्वर का विश्वास जो है आपके ऊपर डबल पक्का है कि वो आपको सुखी देखना चाहता है। ईश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ें, इतना आगे बढ़ें कि आप कहें कि मज़ा आ गया ज़िंदगी में, इसी सुख को प्राप्त करने के लिए जिसको हम तड़फ रहे थे, वो सुख कैसे आपको इन संकेतों के माध्यम से मिल गए। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, परिवार के लोगों का ख्याल रखिए, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया समय रहेगा अप्रैल में, सब कुछ शानदार है तब तक जब तक आपका विश्वास ईश्वर पर जमा हुआ है। तो ईश्वर के विश्वास की डोर को टूटने मत दीजिएगा, और मज़े लेते जाइए ईश्वर के द्वारा बनाई गई इस प्रकृति का, इस संसार का। और दुख है तो सुख भी है, तो दुख सुख तो चलता रहेगा, लेकिन दुख सुख से हमें सीखना है, गलतियां नहीं करनी है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान जानिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, और मैं आपकी अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। घर में रहिए, घर के बाहर मत निकलिए, और सुरक्षित रहिए, अपने हाथ धोते रहिए, और सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन जरूर करिए। हरिओम, नमस्कार।